Hello friends, I am dietitian Nita Devan and today I will talk about your diet if you are COVID positive. जो कोरोना वायरस है उसमें दवाई के साथ साथ जो न्यूट्रिशन है वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है. हमारी रिकवरी के लिए हम क्या न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो एक अहम भूमिका निभाता है. तो सबसे पहले हमारे को जो हमारी फिटीग है, जो हमारी बॉडी को मसल डिप्लीशन हो रहा है, उसको हम कैसे रिकवर करें, उसकी रिकवरी के लिए हमें अपने हर मील में प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा लेनी होगी. यानी आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों मील्स में प्रोटीन होना बहुत ज़रूरी है. इस प्रोटीन की मात्रा 50 से 70 ग्राम एक दिन में होनी ही होनी है. ये आप तब कर सकते हैं अगर आप एडिक्वेट अमाउंट ऑफ, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपकी प्रोटीन की सोर्सेस क्या होंगी. वेजिटेरियंस के लिए दाल है, मिल्क प्रोडक्ट्स यानी पनीर, चीज़, लस्सी, दही, ये सब आपके सोयाबीन प्रोडक्ट्स आपके अच्छे सोर्सेस ऑफ प्रोटीन होते हैं. चाहे वो टोफू हो, सोया मिल्क हो, अनफ्लेवर्ड लें वो बेटर है, या सोया नगेट्स हो, दे आर अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. फिर हमारे जितने भी सीड्स एंड नट्स हैं, आमंड्स हैं, कैश्यू नट्स हैं, वॉलनट्स हैं, सीड्स हैं हमारे, पम्पकिन सीड्स हैं, चाहे वो आप चिया सीड्स इंक्लूड कर सकते हैं अपने डाइट में. वो आपको हर मील में उसकी क्वांटिटी कुछ मात्रा लेनी ज़रूरी है. और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एक अपर एंड के प्रोटीन्स ले सकते हैं, यानी एग्स, चिकन, फिश, मटन, कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट में ले सकते हैं. तो प्रोटीन की मात्रा का आप ज़रूर ध्यान रखें, हर मील में प्रोटीन लें. दूसरी बात जो कोरोना के पेशेंट्स में देखी जाती है वो ये है कि उनका मुंह बहुत ड्राई रहता है, नेबुलाइजर कर करके और मास्क पहन के, स्टीम ले लेके. तो पानी, हाइड्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है. आप कम से कम 2 लीटर पानी पिए, और जो हाइड्रेशन आपकी दूसरी तरह से हो सकती है वो है आप बटर मिल्क लें, सूप्स लें, कोकोनट वाटर लें, आप नींबू पानी लें. अगर आपके गले को वो तंग नहीं करता है तो नींबू पानी आपके लिए बहुत अच्छा है. फलों का रस भी कुछ अमाउंट में आप ले सकते हैं. हाइड्रेटेड रखें अपने आप को. ज़रूरी है ये बात कि अपना पानी की मात्रा का ध्यान ज़रूर रखें. इसके साथ साथ आता है कि हमारे को कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं. जो हमारे को फिटीग हो रहा है, जो हम कमज़ोर फील कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देते हैं. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि रोटी, चावल, ओट्स, बाजरा, ज्वार, जो भी आपका रेगुलरली आप खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, वो आप अपने फूड में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लें. इस समय ये ध्यान रखना है कि आपका वेट लॉस मत हो. कोरोना के टाइम आपका वेट लॉस अगर हो रहा है इसका मतलब आप कम खा रहे हैं. दूसरी चीज़ जो आपकी, आप इतने एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं, इतनी दवाइयाँ खा रहे हैं, तो आपकी जो गट हेल्थ होती है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती है. उसके लिए आप घी का सेवन करें. दिन में 1 या 2 चम्मच घी आपके लिए बहुत ज़रूरी है. आप घी को इंक्लूड करें अपने डाइट में. तीसरी बात है कि आप जो ये रंगदार फल और सब्जियाँ हैं वो पूरे दिन में कम से कम 5 से 6 सर्विंग्स आपको लेनी है, कलर्ड फ्रूट्स एंड कलर्ड वेजिटेबल्स की. सैलड आप मत लें, शायद वो आपको अभी इतना आप हजम नहीं कर पाएंगे. बट फ्रूट्स हैं, जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं इस समय आप ले सकते हैं. और हाइड्रेशन के लिए भी जैसे वाटरमेलन है, मेलन है, इनमें पानी की मात्रा बहुत है, ये लेने से आप हाइड्रेटेड फील करते हैं. सब्जियाँ, जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं जो आपको पसंद है, वो आप हर मील में सब्जियाँ लें. एक ईजियर वे ऑफ ईटिंग हो जाता है कि अगर आप सूप ले लेते हैं उसमें आप सब्जियाँ डाल लें, थोड़ी दाल डाल लें, नॉन वेजिटेरियन है तो चिकन डाल लें और एक स्ट्यू बना के लें, वो आपको अच्छा नरिशिंग फूड जैसा फील कराता है.
अब क्या होता है कि अक्सर अगर ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है तो आप भारी भोजन मत लें, आप छोटे छोटे हर 2 घंटे में कुछ कुछ खाते रहें, वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। आप जो बाजार का खाना है यानी जो ये पिज़्ज़ा पास्ता बर्गर वो बिल्कुल नहीं खाएं, होलसम नेचुरल फूड्स खाएं। अगर आप ब्रेकफास्ट ले रहे हैं तो उसमें आप अपना, अगर नॉन वेजिटेरियन है तो बॉइल्ड एग्स ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं, आप इवन स्टफ्ड रोटी ले सकते हैं, बेसन का पूड़ा आपके लिए बहुत अच्छा है, मूंग दाल पूड़ा, मूंग दाल चीला, इडली जो कि वो स्टीम और फर्मेंटेड है, ये सब आइडियाज आप अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। बटर मिल्क आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। मिड मॉर्निंग आप एक फ्रूट ले लीजिए, उसके बाद आप अपने लंच टाइम में याद रखें कि या आपने दाल या पनीर या नॉन वेजिटेरियन फूड प्लस सब्जी प्लस रोटी या राइस ज़रूर लेने हैं। अगेन बटर मिल्क इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, या नींबू पानी ले सकते हैं। इवनिंग अगर आप टी लेते हैं, लेते आए हैं हमेशा से, आप उसको कोशिश करें कि उसमें आप अदरक दालचीनी लौंग ऐसी जो हमारी स्पाइसेस हैं उनको फूड्स में भी डालें और उनका काढ़ा बनाकर भी पिएं। वो आपके थ्रोट को बहुत सूदिंग करता है और वो उसमें जो एंटी बैक्टीरियल एंटी वायरल प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपको रिकवरी में हेल्प करती हैं। मखाने खा सकते हैं रोस्टेड, आप भुने चने ले सकते हैं, ढोकला ले सकते हैं स्टीम्ड, अच्छी फूड है वो आपके लिए। रात का जो डिनर है वो भी दोपहर के खाने की तरह ही होना चाहिए, उसमें भी प्रोटीन होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होने चाहिए। जब हम प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को इकट्ठा लेते हैं, जैसे दाल चावल लेते हैं, खिचड़ी लेते हैं, सब्जी और दाल वाला दलिया लेते हैं, तो वो एक कंप्लीट फूड होता है, कंप्लीट मील हो जाता है। वो आपकी सेहत के लिए इस वक्त बहुत ज़रूरी है। आप कोई डाइटिंग ऐसी कोई भी अपने दिमाग से बात निकाल दीजिए कि हमें कम खाना है, इस समय आपको हेल्दी खाना है, पर्याप्त मात्रा में खाना है और कोविड को हराना है। एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आउट देयर आर गोइंग टू वर्क टुवर्ड्स इट। थैंक यू सो मच।